सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है बेबीकॉर्न मशरूम बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बेबीकॉर्न मशरूम बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मशरूम लिया है 200 ग्राम, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। फिर इसे मैंने हाफ हाफ कट कर लिया है। आप चाहे तो एक मशरूम को 3 हिस्सों में कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 हिस्सों में कट करके रखा हुआ है। और बेबीकॉर्न से यहाँ पे मैंने 4 से 5 बेबीकॉर्न लिया है, जिसे मैंने डायगोनली शेप में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं, आप बेबीकॉर्न की क्वांटिटी और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 7 से 8 ले सकते हैं। खड़े मसालों में 6 से 7 छोटी इलायची लेंगे, 4 तेज़पत्ता यानी कि बे लीफ ले लेंगे, 4 क्लोव्स ले लेंगे यानी कि लौंग, 7 से 8 काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर कॉर्न, और 2 टीस्पून हम शाहजीरा लेंगे। पाउडर मसालों में हम लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून हम ले लेंगे गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे थोड़ी सी हरा धनिया और पुदीना कट करके रखा हुआ है। 1 कप बासमती राइस को मैंने 1 घंटे पहले भिगो करके फिर इसे छान कर रखा हुआ है। थोड़ी सी फ्राइड ऑनियंस ले लेंगे, 1 टेबलस्पून हम टमाटो प्यूरी लेंगे, 1 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1/2 कप योगर्ट ले लेंगे, 1 मीडियम साइज़ के अनियन को मैंने इस तरह से कट करके रखा है स्लाइसेस में बारीक बारीक, और 1 टेबलस्पून घी ले रही हूँ, बाकी हम ऑयल ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी केवड़ा एसेंस नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी केसर के धागे को मैंने दूध में डालकर रखा हुआ है, और केसर के धागे अपने कलर भी छोड़ दिया है। केवड़ा एसेंस ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। केवड़ा एसेंस हम कुछ 3-4 ड्रॉप्स डालेंगे। हम अभी राइस बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, जिसमें मैंने पानी डालकर गरम कर लिया है। 2-2.5 कप्स पानी लिया हुआ है मैंने यहाँ पे। इसमें नमक और थोड़ी सी घी डाल देंगे, और इसमें हम 1 टीस्पून शाहजीरा, 3 छोटी इलायची और 2 बेलीफ डाल देंगे इसमें अच्छी फ्लेवर आने के लिए। और इसमें राइस डाल करके, ये राइस को हमें हाफ कुक करनी है, पूरी तरह से कुक नहीं करनी है, वरना राइस चिपचिपाहट बन जाएगी, तो इसका ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरे राइस जो है फूल करके तैयार है, और ये हाफ कुक हुई है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह दब नहीं रही है। अब हम इसे छान लिया है, और इसे हम एक प्लेट में फैला देंगे, जिससे कि ये ठंडी हो जाए और एक दूसरे से राइस चिपके ना। आप देख सकते हैं राइस बहुत ही खिला खिला बना हुआ है। इसी तरह की राइस बनानी है बिरयानी के लिए, तो इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम एक इसी पैन में मैंने घी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ऑयल डाल कर लिया है। इसमें हम शाहजीरा, काली मिर्च, लौंग और 2 इलायची ले लेंगे, बचे हुए जो खड़े मसाले थे। और इसे 1-2 सेकंड भून लेने के बाद इसमें हम अनियन डाल करके भून लेंगे। अनियन को हमें सिर्फ सौते करनी है। अब ये अनियन को ब्राउन नहीं फ्राई करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी फ्राइड अनियंस ले रहे हैं। देखिए, मैंने थोड़ी देर के लिए इसे सौते कर लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके इसे भी भून लेते हैं, जब तक इसका कच्चापन निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अदरक लहसुन डालने के बाद अभी मैं यहाँ पे बेबीकॉर्न ऐड कर रही हूँ, मशरूम भी डाल देते हैं, वो गिर गई, इसे हम मिला लेंगे। अब हम इसमें ये ड्राई मसाले डाल देते हैं, मिला ले इसे। हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसमें ये टमाटो प्यूरी डाल देंगे, मैंने यहाँ पे रेडीमेड टमाटो प्यूरी लिया है। योगर्ट भी डाल देते हैं, नमक थोड़ी सी अब डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने पहले भी राइस में नमक डाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं अभी मशरूम को जितना नमक चाहिए उतना ही डाल रही हूँ। इसे मिला करके हम इसे कुक करेंगे, तो इसे हम ढक करके 3 से 4 मिनट कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में आ गई है, और मशरूम बेबीकॉर्न कुक हो गई है। अब हम गैस में से इसे उतार के कुकर में इसे हम लेयर लगा लेंगे, तो इसका हाफ जो ग्रेवी है हमारा, ये डाल देते हैं इसमें मसाला जो हमने बनाया है, और इसमें से हाफ राइस हम डालेंगे। मैंने यहाँ पे बे लीव्स को साइड में निकाल लिया है, आप चाहे तो डालें वरना इसे निकाल लें। हाफ राइस हम ऐड कर लेंगे, इस तरह से लेयर बना लेंगे, और बचे हुए अभी जो
हमारा बेबीकॉर्न और मशरूम का ग्रेवी है, इसे डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर बचे हुए राइस डाल देते हैं और इसके ऊपर अब हम ये केसर वाले दूध डाल देंगे, केसर को वेस्ट ना करें। अब हम इसमें हरा धनिया और पुदीना का लेयर लगा लेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें फ्राइड अनियंस डाल देते हैं, थोड़ी सी पुदीना और डाल दें, गरम मसाला। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ी सी एक चुटकी भर गरम मसाला डाल दिया है। अब 4 से 5 ड्रॉप हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे। केवड़ा एसेंस मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, आप ना चाहे तो इसका फ्लेवर अगर पसंद ना हो तो इसे ना डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं विजल निकाल दिया है और इसका ढक्कन बंद करके हम गैस पे चढ़ा लेते हैं और फ्लेम को इस समय हम स्लो रखेंगे और इसको हम 15 मिनट कुक करेंगे। इसे विजल लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी राइस और हमारा मशरूम बेबीकॉर्न कुक हो गई है, इसे सिर्फ हमें दम लगानी है। तो इसे बंद करके 15 मिनट हम लो फ्लेम में कुक करेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं 15 मिनट्स हो गई है, मैंने कुकर को उतार लिया था एक स्टैंड पे और स्विच ऑफ कर लिया है गैस को। कुकर भी ठंडी हो गई है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से हमारी बिरयानी भी कुक हो गई है, आप देख सकते हैं। इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है हमारा बेबीकॉर्न मशरूम बिरयानी, बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपने देखा कितने ईजी था इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी ओकेशन हो, घर में गेस्ट आए हो, तो आप ये बिरयानी को ज़रूर बनाएं, सबको पसंद आएगी। और इस बिरयानी को आप किसी भी रायते के साथ सर्व करें या फिर इसके साथ कोई कोरमा बना ले, जैसे मेरे आलू कोरमा की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, आप आलू कोरमा इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बन करके तैयार है, आप ये रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने डियर वन के साथ ये रेसिपी को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी।